हेलो गाइस, जैसे का देख रहे हैं मिस्टर वाओ अलर्ट। सो आज मैं आपको ज़बरदस्त अलर्ट करने वाला हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि द यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में किस तरीके से अप्लाई करना है। सही है, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप आपको फॉलो करना है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर। सही है, ये देखें आप क्या कर सकते हैं। आप BS कर सकते हैं, आप MPhil कर सकते हैं, आप PhD भी कर सकते हैं। आप कौन कौन से डिपार्टमेंट है आप सारा देख सकते हैं। बाटनी है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बहुत सारे हैं। सही है, कैंपस कौन सी है, यहाँ पे मुल्तान कैंपस है, डेरा गाजी खान कैंपस है, बहुत सारे कैंपस में जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जो लिंक है अप्लाई करने की वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, सबसे पहले आपने करना क्या है, ये जो मैं लिंक दूंगा आप सिंपल में उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आपने करना क्या है, अपना अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे आप करेंगे क्रिएट अकाउंट। सही, ओके, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे क्या रहेगा, फुल नेम। आपने यहाँ पे आपका जो नेम है आपको सिंपल में वो लिख देना है। ऐसा ही उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, ईमेल एड्रेस। आपने करने के आपकी जो ईमेल एड्रेस है सिंपल में आपको यहाँ पे वो लिख देनी है। ओके, तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल एड्रेस लिखेंगे। ओके, जैसे ही आप अपनी ईमेल एड्रेस लिखेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा, मोबाइल नंबर। आपका जो मोबाइल नंबर है सिंपल में आपको यहाँ पे वो लिख देना है। सही है, ओके, जैसे आप मोबाइल नंबर लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपका जो CNIC नंबर है सिंपल में आपको वो लिख देना है। सही, जैसे CNIC नंबर लिखेंगे उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि पासवर्ड। आप क्या करेंगे, आपका जो पासवर्ड है सिंपल में आपको यहाँ पे वो लिख देना है। सही है, ये देखें जो आपने ऊपर सेम पासवर्ड लिखा सेम पासवर्ड आप नीचे भी लिखेंगे। जैसे ही ये वाला करेंगे तो आई एग्री के ऊपर आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद CNIC नंबर लिखेंगे। रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो ईमेल है वहाँ पे इसका जो वेरिफिकेशन है वो कोड आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने क्या किया, सिंपल में सारी डिटेल मैंने आपको बता दी। उसके बाद यहाँ पे शो हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल, प्लीज़ टेक योर ईमेल एड्रेस। अब आपने करना क्या है, आप अपनी ईमेल के ऊपर आ जाएंगे तो आपको यहाँ पर लिखना है अपनी जीमेल सिंपल में। सही, ओके, तो मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ। आप क्या करेंगे, अपनी जीमेल लिखेंगे यहाँ पे, ये देखिए। जैसे ही जीमेल पे आ जाते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पास इसका जो जीमेल का जो पासवर्ड है। सही, ओके, तो मेरे पास आ चुका है। आप देख सकते हैं ऊपर ये देखें नाउ लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, सिंपल में अपने जीमेल के ऊपर आ जाएंगे। जैसे ही आप अपने जीमेल पे आ जाते हैं तो यहाँ पे कह रहा है कि वेरीफिकेशन आपको देनी है, ये देखें, क्लिक हेयर टू वेरीफाई योर अकाउंट। आप सिंपल में इसके ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आपको ईमेल यहाँ पे लगानी है, पासवर्ड लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने जो वहाँ पे जो ईमेल लगाई थी सिंपल में मैं अपनी यहाँ पर ईमेल लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ पे जो हो रहा है कि आपका पासवर्ड लगाना है, कौन सा पासवर्ड, आप पासवर्ड वो लिखेंगे जो आपने वहाँ पे लिखा था। जैसे ही आप ये वाला करेंगे उसके बाद साइन इन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका फर्स्ट स्टेप कम्प्लीटली हो गया है। फिर आपने अपना अकाउंट बना लिया है, कंग्रेचुलेशन। ओके, जैसे ही ये वाला स्टेप करेंगे तो यहाँ पर सारा प्रोसीजर बता रहा है, मतलब किस तरीके से अप्लाई करना है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, जैसे जैसे मैं आपको बताऊँ आपको वैसे ही फॉलो करना है, कोई घबराने की बात नहीं। ओके, जैसे ही ये वाला स्टेप करेंगे तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री लाइन वाला ऑप्शन आपके सामने शो हो रहा है, ये देखें। आप क्या करेंगे, इस थ्री लाइन वाले ऑप्शन के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपकी जो पर्सनल डिटेल है ये देखें आपको वो देनी है। आप पर्सनल डिटेल के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे। ओके, ये देखें। ओके, जैसे ही पर्सनल डिटेल के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप अपनी डिटेल देंगे। यहाँ पे कह रहे हैं कि नेम आपने अपना लिख लिया, मोबाइल नंबर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है आपको सिंपल में वो अपलोड कर देनी है। तो आपने करना क्या है, आपकी जो फ़ोटो होती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो आपको सिंपल में यहाँ पर वो अपलोड कर देनी है। तो मैं क्या करूँगा, मेरी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है मैंने अपलोड कर दी। ओके, उसके बाद यहाँ पे शो रहा है कि ब्लड ग्रुप आपका कौन सा ब्लड ग्रुप है आपको सिंपल में वो लिखना है, पाकिस्तानी आपने CNIC नंबर लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे शो रहा है कि मार्शल स्टेटस, आप सिंगल हैं, मेरिड हैं, क्या है। फॉर सपोज मैं अनमेरिड, मैंने यहाँ पे अनमेरिड लिखना है। उसके बाद यहाँ पे शो रहा है कि डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है एकदम सिंपल में आपको सिंपल में वो लिख देनी है। तो मैंने यहाँ पे अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख ली। ओके, उसके बाद यहाँ पे शो रहा है कि रिलीजन, आपका कौन सा रिलीजन है, इस्लाम है, जो भी आपका रिलीजन है आपको वो लिखना है। फॉर सपोज मेरा है इस्लाम, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इस्लाम। सही, ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि जेंडर, आप मेल हैं, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर, जो भी है वाट एवर, आपको सिंपल में वो लिख देना है। फॉर सपोज मैं हूँ मेल, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा मेल। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि मोबाइल नंबर, आपको करना क्या है, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखना है। किसका मोबाइल नंबर, अपना लिखेंगे, खुद का नंबर। सही है, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि आपके जो फादर हैं आप सिंपल में उसका नेम लिखेंगे। सही, ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं फादर का जो CNIC नंबर है सिंपल में आप यहाँ पे
वो लिखेंगे फादर का जो SNS नंबर है, सही। अगर आपके फादर जिंदा है तो आप यस लिखेंगे, अगर आपके फादर अलाइव नहीं है, जिंदा नहीं है, तो आप नो लिखेंगे सिंपल में। ओके, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं आपके जो फादर है उसका आप सिंपल में यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे, सही। उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं कि डोमिसाइल, आपका जो डोमिसाइल है वो कौन से सिटी से बना हुआ है, सिटी लिखेंगे यहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट वगैरह नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा जो डोमिसाइल बना हुआ है वो हैदराबाद सिटी का बना हुआ है, तो यहाँ पे आप अपना यहाँ पे हैदराबाद लिखेंगे, जो भी आपका सिटी बिलोंग करता है। क्या आप ओल्ड स्टूडेंट हैं, यू ई, क्या आप स्टूडेंट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर के, अगर हैं तो येस, अदरवाइज नो, तो मैं नहीं हूँ तो मैं सिंपल में नो लिखूंगा। जैसे ही ये वाला स्टेप करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे शो रहा है कि सेव, आपने करना क्या है, सेव के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही सेव के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्सनल डिटेल्स आर अपडेट, प्लीज़ एड योर एड्रेस डिटेल। ओके, जैसे ही ये वाला स्टेप करेंगे तो यहाँ पे शो रहा है कि नेक्स्ट, आप क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे। ओके, जैसे नेक्स्ट पर आप सिंपल में क्लिक करेंगे यहाँ पे कह रहा है कि पोस्टल एड्रेस, आपको पोस्टल एड्रेस वो लिखनी है जो आपके जो सिटी में है पोस्ट ऑफिस होती है ना, वो आप अपने पोस्ट ऑफिस की एड्रेस लिखेंगे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अपनी एड्रेस लिखूँगा वो वाली जो पोस्ट ऑफिस की है, सही है। ओके, उसके बाद पोस्टल सिटी, आपका जो पोस्ट ऑफिस है वो कहाँ पर, कौन सी सिटी में है, तो आप अपना यहाँ पर सिटी लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया फास्ट ऑफ सिटी। परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस आप वो लिखेंगे जो आपके SNS नंबर पे होगी, आपको लाजमी बात याद रखनी है। तो फॉर सपोज मेरी जो पोस्टल एड्रेस और जो SNS वाली एड्रेस अगर सेम है तो आप क्या करेंगे, सेम के ऊपर आप क्लिक करेंगे। दोनों डिफरेंट है, पहले आप किसी और सिटी में रहते थे, अभी आप किसी और सिटी में रहते हैं और वो मेंशन नहीं SNS में, तो आप यहाँ पर वो लिखेंगे ये मार्क्स माई वर्ड। ओके, जैसे ही वाला स्टेप करेंगे तो यहाँ पर शो रहेगा सेव, आपने करना क्या है, सेव के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही ये वाला स्टेप करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे शो रहा है कि नेक्स्ट, आप क्या करेंगे सिंपल में, नेक्स्ट के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही ये वाला स्टेप करेंगे तो यहाँ पे शो रहा है कि एनी डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई मजदूर, आप कोई मजदूर वगैरह है, मजदूर नहीं है, तो आप क्या करेंगे, नो के ऊपर सिंपल में क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही सेव के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो रहा है कि नेक्स्ट, अब आपने करना क्या है, यहाँ पे शो रहा है कि नेक्स्ट, आप क्या करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही ये वाला स्टेप करेंगे उसके बाद अब यहाँ पे शो रहा है कि वैक्सीनेटेड, आपने कभी वैक्सीन करवाई है कोरोना वाली, अगर करवाई है तो येस, नहीं करवाई तो नो के ऊपर सिंपल में क्लिक करेंगे। ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट, अगर आपको कोई पॉइंट वगैरह चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो येस, अदरवाइज नो के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे। फॉर सपोज मुझे चाहिए नो, तो मैं यहाँ पर नो लिखूँगा, अगर चाहिए तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्या करेंगे सिंपल में, येस करेंगे। ओके, अगर आपको हॉस्टल वगैरह चाहिए रहने के लिए, ये देखें अगर आपको हॉस्टल चाहिए रहने के लिए तो आप येस के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे, अगर नहीं चाहिए तो आप नो के ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो मुझे नहीं चाहिए अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं क्या करूँगा, नो लिखूँगा, अगर आपको चाहिए तो येस करेंगे आप। जैसे ही वाला स्टेप करेंगे तो यहाँ शोर है कि सेव, अब आपने कहना क्या है, सेव के ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे सेव के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये देखें वो एड हो चुकी है, अब आपने कहना क्या है, यहाँ शोर है कि नेक्स्ट, ये देख, सही। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो अब आपने करना क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं प्रोग्राम लेवल, आप क्या करना चाहते हैं, आप प्रोग्राम लेवल के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे। आपको बैचलर करना है, बीएस करना है, मास्टर करना है, एमबीए करना है, एमफिल करना है, पीएचडी करना है, जो भी आपको करना है प्रोग्राम आप वो सिलेक्ट करेंगे। फॉर सपोज मुझे करना है बीएस 4 ईयर, तो मैं यहाँ पर करूँगा बीएस 4 ईयर का मतलब ये होता है बैचलर, तो मैंने यहाँ पर कह लिया बैचलर बीएस 4 ईयर। जैसे ही वाला स्टेप करेंगे तो आप नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे शो हो रहा है कि नेक्स्ट, ये देखो आप नेक्स्ट के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे। ओके, जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो हो रहा है कि एकेडमिक डिटेल, आपको करना क्या है, आपकी जो एकेडमिक डिटेल है आपको वो दे देनी है। सबसे पहले डिग्री लेवल, सबसे पहले क्या करेंगे, आप अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन देंगे, सही है। उसके बाद आप FSC की देंगे, FSC मतलब इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट मतलब क्लास 12th भाई। ओके, उसके बाद जैसे ही आपने SSC मैट्रिक लिख लिया उसके बाद डिग्री टाइटल कह रहा है, आपने मैट्रिक किसमें किया है, साइंस में किया है तो साइंस लिखेंगे, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स साइंस में करते हैं, अगर आपने ओ लेवल किया है, ए लेवल किया तो आप यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं, ये देखें। ओके, तो मैंने किया है मैट्रिक साइंस में, मैंने यहाँ पर लिखा। उसके बाद यहाँ पर कह रहे हैं बोर्ड, आपका कौन सा बोर्ड है, मेरा है हैदराबाद बोर्ड, तो मैंने यहाँ पर लिखूँगा सिंपल में हैदराबाद बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड है आपको सिंपल में वो लिख देना है। और आप देखें यहाँ पर शो है कि रेड स्पॉट, अब रेड स्पॉट का मतलब ये है कि आपको ये लाजमी इन्फॉर्मेशन देनी है,
किसी भी ऑप्शन के ऊपर रेड स्पॉट शो नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है, अगर आप वो इन्फॉर्मेशन फिल नहीं करते हैं तो फिर भी कोई मसला नहीं होगा। अगर रेड स्पॉट शो हो रहा है तो इसका मतलब लाजमी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, अदरवाइज इशू करेगा। सही, उसके बाद यहाँ पे कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन नंबर आप वो लिखेंगे जो आपकी मैट्रिक की मार्कशीट के ऊपर लिखा हो। सही है, पासिंग ईयर आपने कब मैट्रिक पास किया था, आप सिंपल में वो ईयर लिखेंगे। सही, एग्जामिनेशन टाइप, आपका जो एग्जामिनेशन होता है वो एनुअल होता है, सेमेस्टर होता है। एनुअल का मतलब होता है सालाना, आपके पर ईयर इम्तिहान होते हैं, पेपर होते हैं, अगर पर ईयर होते हैं तो आप एनुअल के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे। रिजल्ट टाइप, आप रिजल्ट टाइम में क्या करना है, रेगुलर के ऊपर सिंपल में क्लिक करेंगे। रेगुलर का मतलब ये होता है आप रोज़ाना जाते हैं कॉलेज स्कूल वगैरह। मार्क्स ओके, उसके बाद मैट्रिक की आप यहाँ पे अपने नंबर लिखेंगे, आपके जो मैट्रिक के जो नंबर आए हैं वो कितने आए थे, मतलब मार्क्स कितने आए थे, आप यहाँ पे सिंपल में वो लिखेंगे। सही है, टोटल नंबर लिखेंगे। उसके बाद जैसे ही वाले स्टेप करेंगे तो यहाँ शोर है कि एड क्वालिफिकेशन, आप क्या करेंगे, एड क्वालिफिकेशन के ऊपर सिंपल में क्लिक करेंगे। ओके, जैसे ही वाला स्टेप करेंगे तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपकी जो मैट्रिक की जो इन्फॉर्मेशन है वो एड हो चुकी है। ओके, नाउ व्हाट विल यू डू, नाउ यहाँ पे शोर है कि डिग्री लेवल, अब आपने मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन दे दी एज अ सिमिलरी, आप क्या करेंगे इंटर की भी इन्फॉर्मेशन दे देंगे, मतलब FAC की। आप क्या करेंगे यहाँ पे शोर है कि HSC, आप क्या करेंगे इंटरमीडिएट लिखेंगे यहाँ पे। ओके, रिजल्ट अगर आप आ चुका है तो यहाँ पे लिखेंगे अपना रिजल्ट, ये देखें। अगर रिजल्ट नहीं आया है तो आप रिजल्ट अवेट के ऊपर आप सिंपल में क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका रिजल्ट आया हुआ है तो आप क्या करेंगे, रिजल्ट कंप्लीट के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन शो हो रहे हैं, ये देखें, रिजल्ट आया हुआ है अभी तो यस लिखेंगे, अगर नहीं आया हुआ है तो यहाँ पे ये देखें इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। अगर आ चुका है तो आप रिजल्ट कंप्लीट के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सही, अगर आपका रिजल्ट नहीं आया तो इंटर का फिर क्या करेंगे उसके बाद, ये देखें, अगर आपका FAC का पार्ट टू का रिजल्ट नहीं आया है तो आप फर्स्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन देंगे, मतलब क्लास 11th की इन्फॉर्मेशन देंगे। लाजमी ये बात याद रखें आप, व्हाट्सएप से मेरी रिजल्ट आ चुकी है तो मैं रिजल्ट कंप्लीट कर रहा हूँ, मैं सिंपल में क्लिक करूँगा। सही, डिग्री टाइटल लिखना है आपने। सही, ये देखें, आपने FAC किस में किया है, प्री मेडिकल में किया है, इंजीनियरिंग में किया है, किस में किया है, व्हाट्सएप पर मैंने किया है प्री इंजीनियरिंग में, मैंने यहाँ पर लिख लिया प्री इंजीनियरिंग। बोर्ड कौन सा था आपका, सही, आपको सिंपल में यहाँ बोर्ड लिखना है, वो बोर्ड लिखना है जो आपका इंटरमीडिएट में हो, मतलब FAC में हो, मतलब क्लास 12th में हो। रजिस्ट्रेशन नंबर वो लिखेंगे जो आपकी क्लास 12th की जो मार्कशीट है उसके ऊपर लिखा हो। अगर आपकी रिजल्ट नहीं आई हुई है तो आप क्लास 11th का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, रोल नंबर वही लिखेंगे। आपने कब पास किया है FAC, आप यहाँ वो लिखेंगे। एग्जामिनेशन टाइप, आप एनुअल करेंगे क्योंकि आपके जो पेपर होते हैं वो एनुअली होते हैं सबके। ओके, रिजल्ट टाइप आप रेगुलर लिखेंगे यहाँ पे सिंपल में। सही है, मार्क्स ऑप्टेन, आपने कितने मार्क्स ऑप्टेन किए आपको सिंपल में यहाँ पे वो लिखते नहीं। सही, टोटल मार्क्स कितने थे आपकी, आप सिंपल में यहाँ पे वो लिखेंगे। सही, जैसे ही ये वाला स्टेप करेंगे तो अब आपने करना क्या है, सेव नहीं करना जल्दी में। ये देखें यहाँ पे शोर है कि प्लीज़ इंटर द इलेक्टिव सब्जेक्ट, आपको वो सब्जेक्ट लिखने हैं जो आपके इसमें हो, आपके क्लास 12th में हो। सही, ओके, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सब्जेक्ट, तो मैं क्या करूँगा, मेरे जो क्लास 12th में सब्जेक्ट थे मेजर, मैं वो लिखूँगा। तो मेरा था एक फिज़िक्स, सही, मेजर मैंने लिख लिया। उसके बाद मेरा जो मेजर था वो था मैथमेटिक्स था, सही है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं आप बायोलॉजी लिखेंगे। सही है, बायोलॉजी के बाद आप क्या क्या लिखेंगे, जूलॉजी लिखेंगे। उसके बाद आपका जो थर्ड है आप फिज़िक्स या केमिस्ट्री लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं आप। ओके, तो मैं प्री इंजीनियरिंग का हूँ इसलिए मैंने फिज़िक्स मैथ केमिस्ट्री लिख लिया। सही है, आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए फिज़िक्स में, आपको यहाँ पे वो लिखते नहीं है। मैट्रिक आपको मैथ में भी लिखनी है, सिंपल में आपको यहाँ पे केमिस्ट्री में लिखनी है। टोटल मार्क्स कितने थी यहाँ पे वो लिखेंगे, कौन से मार्क जो आपके FAC में हो। सही है, ओके, यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखेंगे। ओके, टोटल मार्क्स जैसे ही वाला स्टेप करेंगे तो यहाँ पे शोर है कि एड क्वालिफिकेशन, अब आपने करना क्या है, एड क्वालिफिकेशन के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे। सही है, ओके, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शोर है कि अप्लाई नाउ, अब आपने करना क्या है, अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। सही है, ओके, जैसे ही अप्लाई नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कह रहे हैं कैंपस, आपको कौन सी कैंपस में स्टडी करनी है, तो आप क्या करेंगे ये देखें, आप इसके ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे। सही, ओके,
कौन सी कैंपस में स्टडी करनी है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारे कैंपस आपके सामने शो हो रही है। ये देखें, मुल्तान कैंपस है, सही है, फैसलाबाद कैंपस है, डेरा गाजी खान कैंपस है, यहाँ पे सारे कैंपस लिखी हुई है। जिसमें आपको स्टडी करनी है आपको वो सिलेक्ट कर देना है कैंपस। फॉर सपोज मुझे स्टडी करनी है डेरा गाजी खान में, तो मैं यहाँ पर लिख लिया डेरा गाजी खान। शिफ्ट कौन सी चाहिए आपको, मॉर्निंग में स्टडी करनी है सुबह के टाइम, इवनिंग में मतलब शाम के टाइम स्टडी करनी है। फॉर सपोज मुझे स्टडी करनी है मॉर्निंग, ये मॉर्निंग अच्छा होता है, मैंने इसके ऊपर मैंने सेलेक्ट कर दिया। प्रोग्राम, आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो लेना चाहते हैं लेकिन आप करेंगे क्या भाई, कौन सा डिपार्टमेंट आपको चाहिए, यहाँ पे आपको यहाँ पे अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे। सही, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पे करना है बीएस फिजिक्स। फॉर सपोज मैं बीएस फिजिक्स करना चाहता हूँ, मैंने यहाँ पे बीएस फिजिक्स लिख लिया। कोटा, कौन सी कोटा पे आप जाना चाहते हैं, ओपन मेरिट, सही, यूई टीचर्स एज अ, आप कोई जॉब वगैरह कर रहे हैं, अगर आप कोई डिसेबल वगैरह हैं मतलब आपके मजदूर वगैरह हैं, आप कोई गेम के बेसिस के ऊपर आप जाना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप वो सिलेक्ट करेंगे। फॉर सपोज मैं ओपन मेरिट पे जाना चाहता हूँ, मैं ओपन मेरिट लिखूँगा। सही, जैसे ही ये वाला स्टेप करेंगे तो यहाँ शोरा के अप्लाई नाउ, आप क्या करेंगे अप्लाई नाउ के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे। सही, ये देख लें, ओके, जैसे ही ये वाला स्टेप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा है कि प्रिंट योर चालान एप्लीकेशन फॉर्म। आप क्या करेंगे सिंपल में, इस वाले ऑप्शन के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे, ये ग्रीन और येलो, ओके। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, अब आपने करना क्या है ये देखें, अब आप यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, ये देखें, तो मैं इसके ऊपर मैं सिंपल में दोबारा क्लिक करूँगा। सही, ओके, जैसे इसके ऊपर आपने क्लिक किया तो यहाँ पर शो हो रहा है कि प्रिंट चालान, सही है, और प्रिंट फॉर्म, आपका जो फॉर्म है जो आपने अभी अभी फिल किया एडमिशन्स का, आप वो भी प्रिंट करवा के अपने पास रख लेना, ये आपको लाजमी करना है, ओके। अगर आपको चालान पेड करना है ऑनलाइन तो आपने करना क्या है, प्रिंट चालान के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे, ये देखें, सही, जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको डाउनलोड कर देना है अपना चालान। सही, ओके, उसके बाद आप जस्ट वंस के ऊपर आप क्लिक करेंगे। अब आपको ये बताऊंगा इस वीडियो इस सेक्शन में, ये बताऊंगा आप ऑनलाइन पेमेंट कैसे पेड करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट नहीं करनी है तो अगर आप किसी बैंक में करना चाहते हैं तो आप किसी बैंक में इसको प्रिंट आउट करवा के चालान को आप वहाँ से भी पेड कर सकते हैं अपनी फीस, ओके। जैसे ही वाले स्टेप करेंगे तो यहाँ पर कह रहे हैं कि वन बिल नंबर, अब आपने कहना क्या है यहाँ पर, वन बिल नंबर जो है इसको आप सिंपल में कॉपी करेंगे, कौन सा वाला, ये देखें, मैं इसको मैं मेंशन करता हूँ, ये देखें यहाँ पे शो रहा होगा के वन बिल, सही, ये देखें, ये आपके सामने शो रहा है वन बिल, ओके। जैसे ही वाला स्टेप करेंगे तो अब आपने करना क्या है, अब आप अपने जेस्केश में आ जाएंगे अकाउंट में, ये देखें, अब जेस्केश में भी आप पेमेंट कर सकते हैं, और आपका जो अगर इजी पे अकाउंट है आप उससे भी पेमेंट कर सकते हैं, दोनों तरीके से मैं आपको बताऊँगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि जेस्केश से आप वन बिल के ज़रिए कैसे पेमेंट करेंगे सेम, सही है, ओके। तो जैसे ही अपना अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो अब आपने कहना क्या है, यहाँ पे मोर के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे, सही, ये देखें, ओके। जैसे ही आप मोर के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें, अब आपने कहना क्या, आप नीचे आ जाएंगे, सही, ओके, ओके। जैसे ही आप यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने शो हो रहे हैं सारे ऑप्शन, सही है, ओके। यहाँ पे शो हो रहा है कि टैक्स पेमेंट, सही है, लोन फ्लड, यहाँ पे सारे आपके सामने शो हो रहा है ऑप्शन। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे शो हो रहा है कि कोऑपरेट पेमेंट, आप क्या करेंगे सिंपल में कोऑपरेट पेमेंट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, सही है, ये देखें, ओके। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रहा है कि वन बिल इनवाइस एंड वाउचर, आप क्या करेंगे वन बिल इनवाइस एंड वाउचर के ऊपर आप सिंपल में क्लिक करेंगे। आपने जो इनवाइस वाला इन वाउचर वाला आपने जो नंबर कॉपी किया उसका अकाउंट का, आप उसको अकाउंट को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद आप क्या करेंगे यहाँ पे पेस्ट करेंगे। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे शो रहा होगा कि कंटिन्यू। फॉर सपोज मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, ये देखें कि ये देखें, फॉर सपोज मैंने आपके सामने कर लिया कंटिन्यू में क्लिक करूँगा, सही। जैसे आप कंटिन्यू के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ शो रहा है कि पे अनदर यूटिलिटी बिल, अब जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपका जो चालान है वो पेड हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, आप ऑनलाइन पेमेंट भी अपनी सेंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन लाहौर में आप किस तरीके से अप्लाई करना है, आपको आपको बिल पेमेंट कैसे सेंड करना है। बिल पेमेंट का मतलब ये होता है चालान, आपने चालान कैसे पेड कर लिया।
अगर आपको फिर भी कोई भी मसला हो जाता है तो आपने करना क्या है, आप मुझे कमेंट में बता देना, मैं आपके लिए इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, अगर अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।